बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आप देख रहे हो कट चिली वेनिगार, जो मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि जब ये सिडिपेट में बन रहा था तब मैं वहां पे गई थी विजिट करने जब मुझे ये टेस्ट कराया गया तो स्टार्टिंग मैंने मैंने सोचा कि देखते एक चम्मच ट्राई करके मैंने ट्राई किया और मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उन, उनसे फिर से लेके आधा कटोरी खत्म किया मतलब ये टेस्ट में बहुत अमेजिंग है आप उसको खुद टेस्ट करके देखिए और आप समझ सकते हैं लेकिन टेस्ट की बात तो अलग है लेकिन टेस्ट के साथ इसके बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं तो ग्रीन चिलीज के बेनिफिट्स कैसे आते हैं ग्रीन चिलीज आयुर्वेद में भी वर्णन किया है कि जो ग्रीन चिलीज होती है अगर आपने कभी ग्रीन चिली ट्राई की होगी खाई होगी तो आप देख सकते हो कि एक, आ, हमारे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा ज्यादा सिक्रिट होता है और हमें डाइजेशन के लिए सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्सअप होना बहुत इम्पोर्टेंट है तो अगर सलाइवा अच्छे से मिक्सअप होता है तब वो आ, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे अंदर जाके डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और ग्रीन चिलीज को स्पेशली पेन किलर के तौर पर भी

के साथ अगर वो मिक्स किया तो उसकी तीक्ष्णता वो उसके अच्छे प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाती है राइट? Right? तो चिली में मेनली विटामिन सी पाया जाता है विटामिन ई e पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है वो हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है डाइजेशन के लिए अच्छी है और जो हार्ट हेल्थ के लिए भी ग्रीन चिली बहुत अच्छे से Uh, क्योंकि ये जो उसकी तीक्ष्णता है ना वो हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छे से सीक्रेट करने में मदद करती है तो ग्रीन चिली के ये फायदे हमने विनेगर के साथ लिए क्योंकि विनेगर एक मेडिसिनल वैल्यूज uh, में आता है क्योंकि उसको ट्रेडिशनली विनेगर को लाइक uh, like, uh, आपको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन पता होंगे हिपोक्रेटिस उनके जमाने में वो विनेगर को एज अ एंटीबायोटिक यूज करते थे और गट हेल्थ के लिए यूज करते हैं मतलब पेट अच्छे से होने के लिए तो उस जमाने से विनेगर को घर घर में यूज होता आया है विनेगर में ऐसे कुछ तत्व है जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं प्रीबायोटिक मतलब क्या जो हमारे गुड बैक्टीरिया है उसका फूड तो ये उसका फूड है क्योंकि अगर आप विनेगर खाते हैं खाने से पहले आ, मैं तो ये रिकमेंड करूंगी खाने से पहले आप दो तीन चम्मच भी खा लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो आपका वो डाइजेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्री मतलब जो डाइजेस्टिव के गुड बैक्टीरिया है उनको उनका फूड मिल रहा है तो वो आपका खाने का भी डाइजेशन अच्छे से करेंगे और विनेगर के एक्चुअली कुछ प्रूवन बेनिफिट्स हैं ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करना ब्लड शुगर लेवल ये कैसे बैलेंस करता है अगर आपका डाइजेशन अच्छे से होगा आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो नॉर्मल लीवर की फंक्शन है पैनक्रियाज की फंक्शन है वो अच्छे से चलेंगे तो ये ब्लड शुगर बैलेंस भी बहुत अच्छे से करता है विनेगार की ये प्रूवन प्रॉपर्टीज है साथ ही में हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है एंटी रिच है एंटी है और uh, ट्रेडिशनली विनेगार को लाइक लाइक फंगल इन्फेक्शन जिन को है उनको ये इंटरनली लेने के लिए यूज होता था तो फंगल इन्फेक्शन में है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में है विनेगर बहुत अच्छा काम करता है तो कट चिली विनेगर आप जैसे सूप्स में ऐड करके ले सकते हैं या फिर ऐसे ही ले सकते हैं चम्मच के साथ मुझे तो ऐसे ही खाना ये ज्यादा पसंद है साथ में आप ड्रेसिंग्स में इसको यूज करके खा सकते हो या फिर आप नूडल्स में ऐड करके खा सकते हैं या फिर गार्निशिंग में कर सकते हो ऐड करके खा सकते हो तो कट चिली विनेगर एक फूड के साथ हमें इतने सारे प्रॉपर्टीज भी दे रहा है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी दे रहा है तो आप डेफिनेटली आपके डेली डाइट में कट चिली विनेगर ऐड करना चाहिए तो आप इसके एम देख सकते हो डीपी पीवी और एस और इसके जो रेफरेंस है ना वो अगले स्लाइड में है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन भी ले सकते हैं आप देख सकते हैं ये इसके रेफरेंसेस है जो आपका नॉलेज और बढ़ाएंगे अगर आप ये पढ़ते हैं तो Okay, thank you so much, sir.